राधे कृष्णा टू ऑल माय फ्रेंड्स, माय सेल्फ सचिन यादव फ्रॉम नीमराणा इन राजस्थान स्टेट। आई एम एन एमएससी इन मैथमेटिक्स। आई विल ट्राई टू मेंटेन माय 100% आउटपुट इन दिस क्लास। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम मॉडुलस इनइक्वालिटीज पर बेस्ड जो बेसिक क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको सोल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मॉडुलस एक्स लेस या ग्रेटर का कोई भी सिंबल आए और किसी नंबर से उसकी कंपेयर करवाए तो उसका मीनिंग क्या है, तो पहले इसका मीनिंग समझते हैं और उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। और इसको सोल्व करना हमको अगर आ गया तो इस टाइप के इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चंस में कभी भी डाउट नहीं होगा। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। मॉडुलस एक्स का मीनिंग क्या है? मॉडुलस एक्स, यहाँ पे जो एक्स है वो अननोन वैल्यू होती है, ठीक है, और मोड अप्लाई कर दिया इसका मतलब वो पॉजिटिव रहेगी। मोड का काम ही ये होता है कि उस वैल्यू को पॉजिटिव बनाए रखना, ठीक है। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज लिखते हैं। और अगर x की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम उस नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब अगर ये x पॉजिटिव वैल्यू है, सपोज प्लस टू है, ठीक है, तो ये एज इट इज आएगा मोड से बाहर, x लेस देन वन लिख देंगे, ठीक है। और अगर ये x नेगेटिव हुआ, ठीक है, अगर ये अंदर वाला x नेगेटिव हुआ तो मोड का काम क्या है, इस नेगेटिव एक्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। और नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके। अब ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एक्स बन गया, ठीक है। तो यहां से हमको दो केस मिलने वाले, एक तो ये अगर ये पॉजिटिव हो, अंदर वाला एक्स अगर पॉजिटिव हो तो उसको एज इट इज लिखेंगे एक्स लेस देन वन, या फिर एक्स अगर नेगेटिव हुआ तो उस केस में हम क्या करेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो हमारा एक्स जो है अंदर वाला वो नेगेटिव है तो मोड हटाएंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो नेगेटिव एक्स लेस देन वन लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये क्या कह रहे हैं, एक्स की वैल्यू एक से कम है, एक्स की वैल्यू एक से कम है, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं कि जो एक्स की वैल्यू है वो एक से कम नहीं आ रही, माइनस एक्स की वैल्यू एक से कम आ रही है। तो ऐसा करो, आप इस माइनस साइन को हटा दो। इनइक्वालिटी में जब भी माइनस साइन को हटाते हैं तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं माइनस वन से, ठीक है। मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जैसे ही मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर वन को करूंगा मैं माइनस वन से तो माइनस वन हो जाएगा, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, लेस था तो ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, देखो एक नंबर है टू, नेगेटिव नंबर माइनस टू, ठीक है, ये प्लस वन से छोटा होता है, बिल्कुल होता है, प्लस वन से छोटा होता है, ठीक है। अगर मैं इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्लस हो गया, इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस वन हो गया। अब बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है, प्लस टू बड़ा है, यानी मैंने माइनस वन से मल्टीप्लाई किया दोनों को तो आउटपुट मेरे को ये मिला, लेकिन रिजल्ट जो था वो अब की बार उल्टा हो गया, ठीक है। यहां पे जो माइनस टू था वो छोटा था और माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो इधर वाला नंबर बड़ा बन गया, ठीक है, यानी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। तो ध्यान रखना, जब भी माइनस या माइनस साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उस केस में इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज होता है, ठीक है। तो हमको दो केस मिल चुके हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझो, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो एक्स है वो एक से छोटा है और बड़ा किससे, माइनस एक से बड़ा है, तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, जो एक्स की वैल्यू है वो माइनस एक से बड़ी है और प्लस एक से छोटी है, यानी माइनस एक से प्लस एक के बीच है। क्या माइनस एक और प्लस एक शामिल है, वो डिपेंड करता है कि यहां पे आपको अगर इक्वल का साइन दिया है तो हम इक्वल का साइन लेके चलेंगे, ठीक है। तो उस केस में माइनस वन को शामिल करेंगे और प्लस वन को भी शामिल करेंगे, और इनके बीच वाले नंबर तो है ही। अब इसको सोल्व करते हैं, x प्लस फोर मोड के अंदर है, माइनस सिक्स लेस देन नाइन। तो सबसे पहले ये जो मोड से बाहर नंबर है ना, इसको हटाओ, और इसको हटाने के लिए इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी साइन को अगर आप हटा रहे हो, इक्वल वाले में तो इसको इधर ट्रांसफर कर देते थे, पॉजिटिव सिक्स बन जाता था, होता इसमें भी वैसा ही है, लेकिन हम उसको डायरेक्ट नहीं लिखते, बोथ साइड एडिंग बोथ साइड प्लस सिक्स ऐसे करके लिखते हैं ना। तो हमको तो x की वैल्यू फाइंड करनी है प्रॉपर वे में, हम ना लिख के फटाफट इसको सोल्व करना चाहेंगे। x प्लस फोर और मैं बोथ साइड सिक्स प्लस कर रहा हूं, तो इधर प्लस सिक्स करूंगा तो ये तो जीरो हो गया, और इधर प्लस सिक्स करूंगा तो ये फिफ्टीन बन गया, ठीक है। अब ये इसके जैसा बन गया, पहले वाले के जैसा, मोड के अंदर कोई नंबर
किसी नंबर से कम या ज्यादा आ रहा है, लेस देन था वन से, है ना। तो यहाँ पे नंबर चेंज हो गया, मोड के अंदर x प्लस फोर आ गया और ये 15 बन गया। तो इसके भी दो केस बनेंगे, और वो दो केस क्या क्या बनेंगे, या तो ये पॉजिटिव आए यानी x प्लस फोर एज इट इज रहेगा पॉजिटिव होगा तो, या फिर ये वैल्यू नेगेटिव आए तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस फोर लेस देन 15। अब इस माइनस साइन को इधर ट्रांसफर करो, ठीक है, यानी माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज होगा तो मैंने चेंज कर दिया। और इधर क्या मिल रहा था हमको, x प्लस फोर लेस देन 15। यहां से x की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं यानी माइनस फोर करूं मैं बोथ साइड तो मेरे को क्या मिलेगा 11, और यहां से माइनस फोर करने पे क्या मिलेगा माइनस 15 माइनस फोर माइनस 19। अब इन दोनों से हम क्या रिजल्ट निकाल पा रहे हैं कि जो x की वैल्यू है वो 11 से तो लेस है और माइनस 19 से ग्रेटर है, माइनस 19 से ग्रेटर है, तो x की वैल्यू माइनस 19 से प्लस 11 के बीच होगी। ऐसे ही हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, मोड के अलावा जो कॉन्स्टेंट नंबर है उसको हटाना है, ठीक है, उसको रिमूव कैसे करें, बोथ साइड माइनस 9 ऐड कर दो, ठीक है, तो मोड वाला बचेगा, यहां से माइनस 9 करोगे तो हट जाएगा ये प्लस 9, और इधर 5 माइनस 9 करोगे तो कितना आएगा माइनस 4 आएगा। अब इस मोड को सोल्व करेंगे तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हुई तो एज इट इज आएगी 3x माइनस 4 मोड से बाहर, और अगर ये नेगेटिव हुई तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव बनाते हैं, 3x माइनस 4 और माइनस 4। अब इस माइनस साइन को हटाना पड़ेगा तो 3x माइनस 4 इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर क्या मिल रहा था 3x माइनस 4 माइनस 4, ठीक है। अब यहां से 1 by 1 कॉन्स्टेंट को हटाएंगे फिर x के कोफिशेंट का डिवाइड करेंगे, तो ये माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, यानी 3x ग्रेटर देन 0 और यहां से क्या आएगा 3x लेस देन 8। अच्छा, अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू 0/3 यानी 0 से बड़ी होगी और यहां से x की वैल्यू लेस होगी किससे 8/3 से, 3 से मैंने डिवाइड कर दिया बोथ साइड, ठीक है। अच्छा, तो x की वैल्यू यहां से हम क्या रिजल्ट लिख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी है, x की वैल्यू 0 से तो बड़ी है और छोटी किससे है, x की वैल्यू छोटी है 8/3 से, x किससे छोटा है 8/3 से, तो ये रिजल्ट हम यहां पे निकाल पाए हैं।